हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आज शाम के बज रहे हैं 4, और ये ना कल वाला ही वीडियो का कुछ क्लिप था जो कि मैं आज इसको एडिट करके आज डाल रही हूँ, क्योंकि जो कल का जो वीडियो था वो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं कुछ क्लिप था जो मैं आज इसको एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ झाड़ू, और क्योंकि झाड़ू तो दो बार करना ही पड़ता है, घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो थोड़ा सा इधर उधर गंदा कर देते हैं, तो इसलिए मैं झाड़ू कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ना अभी बाबू का ट्यूशन का हो गया है टाइम, तो उसको भी बुक कॉपी सब बैग में लेकर रख दी हूँ, और वो लेकर जाएगा। और ट्यूशन जाने में ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, नहीं जाएंगे खेलेंगे तो। और यहाँ पे जैसे ही ट्यूशन जाने का टाइम आता है ना, हर दिन का उसका काम है तो उसको पोटी लग जाता है, तो वो चला गया है। और एक होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा नहीं जाना चाहते हैं, तो वो ऐसा ही करता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू करते हुए वीडियो शूट हो रहा है, तो वो बोल रहा था कि इधर कैमरा नहीं करो, इधर हम भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी झाड़ू कर ले रही हूँ। और आज ना इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा, रोज़ तो बारिश हो जाता है तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, कि एकदम क्या बोले कि जैसे लग रहा ना कि फेस ही जल जाएगा। और ये ना ये हम लोग रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे एक ही फ्लोर है, तो इसीलिए यहाँ और ज़्यादा गर्मी लगता है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी तैयार हो रही है खेलने के लिए, जैसे 5 बजता है वो खेलने निकल जाती है। और ये सब मेरा झाड़ू वाड़ू हो गया है, और झाड़ू करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना फेस को साफ कर ले रही हूँ। और यहाँ पे हैंड वॉश का जो डिब्बा था ना, उसमें हैंड वॉश नहीं है, बहुत दिनों से नहीं है, और मैं जान करके उसमें नहीं रखती हूँ। जब उसमें हैंड वॉश डाल दीजिए ना, तो क्या आजकल तो मैजिक एक चला है, 15 रुपये का मिलता है, तो वो तो उसमें डाल देती हूँ। लेकिन मेरा बेटा क्या करता है, दिन भर में 10 बार हाथ को धोता है, और ज़्यादा ज़्यादा लेके वो 5-6 दिन भी नहीं चलाता है। उसके चलते यहाँ पे मैं साबुन रख दी हूँ, ताकि साबुन थोड़ा सा कम यूज़ होगा। और यहाँ देखिए बदमाशी, ये सोच रहा है ना कि मम्मी जो है कैमरा ऑफ कर दी है, क्योंकि यहाँ से वो चली गई है। तो देखिए किसके किसके बच्चे ऐसे करते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। और बस यहाँ पे झाड़ू वाड़ू कर ली हूँ, और अब मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ। जब से डाइट शुरू की हूँ ना, तब से मैं मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, इवनिंग वॉक करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है। और मैं 5-5:30 बजे निकल जाती हूँ, और 3 किलोमीटर मैं वॉक करके आती हूँ। तो यहाँ पे कंघी तो मैं कर ली थी, क्योंकि आज बाल धुली थी तो कंघी तो कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा निकल रही हूँ तो थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए ना, मेरा फेस इतना ड्राई हो जाता है, पता नहीं क्यों, ठंडी में तो ड्राई होता ही है, लेकिन अभी तो गर्मी का टाइम है, फिर भी इतना ड्राइनेस है ना फेस में, कि ये वाला क्रीम मैं निविया का लगाती हूँ, कि जो इतना इसमें ऑयली होता है, ये इतना चिपचिपाहट होता है उसके अगर फेस पे लगाने के बाद, लेकिन ये वाला क्रीम भी मेरे फेस पे इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन की पता ही नहीं चलता है कि मेरे स्किन पे ये ऑयल वाला क्रीम लगा है। तो जबकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, लोग बोलते हैं कि पानी का कमी नहीं होना चाहिए, पानी मैं बहुत पीती हूँ। खाना बनाते तक मैं 12 बजे तक 3-4 बोतल पानी पी जाती हूँ, उसके बाद भी पता नहीं बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, पूरी बॉडी में ड्राइनेस है। अभी लगता है ना जैसे होली के टाइम में कैसे स्किन फट जाता है, सेम वैसे हमें अभी भी होता है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं तैयार होके और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलूँगी, और हमें अपने ही बच्चे से छुपा के, और मैं ना आज बहुत गर्मी था तो मैं 1 हफ्ता से लगभग उसमें रखा हुआ है फ्रूटी, बड़ा वाला जो होता है स्लाइस, तो बाबू एक बार फ्रिज से निकाल के पी लिया था, तो उसको बहुत ज़्यादा खांसी बुखार ये सब हो गया था। मैं उसको दवा घर पर पिलाई लेकिन नहीं सही हुआ, उसके डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अब इसको बचा के रखो और फ्रिज का कुछ भी खाने नहीं दो, तो उसको इतना अच्छे से छुपा के रखी थी। और मैं सोच रही हूँ ना कि अब यो ट्यूशन चला गया है, और उसको ट्यूशन छोड़ने चली गई है मेरी बेटी, और अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बोली कि बाबू चला गया है, लाओ और हम लोग पी लेते हैं, नहीं तो वो मांगेगा।
तो यहाँ पे हम लोग इसे ठंडा पी ले रहे हैं, और उसके लिए बॉटल में ही रख देंगे तो वो फ्रिज में नहीं रहेगा और ऐसे ही वो नॉर्मल हो जाएगा, तो वो पिएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं। अपने ही बच्चे से छुपा के क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन क्या करें यार, बच्चों का तबीयत खराब होता है तो हम ही लोग परेशान होते हैं, बच्चा भी परेशान होता है, तो इसलिए करना पड़ता है। नहीं तो ये तो थोड़ा सा ठंडा पीने में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सबको दे दी हूँ और अपने भी पी ली हूँ, जबकि अभी हमें ना इसको पीना नहीं चाहिए और डाइट में तो मीठा नहीं खाना चाहिए, और मैं नहीं खा रही हूँ। चाय भी पीती हूँ तो गुड़ का ही चाय पीती हूँ, लेकिन ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अभी 5:30 बज गया और 5:30 बजे मैं निकलूँगी वॉक के लिए। और यहाँ और अभी रात का, अब यहाँ पे रात के खाने का तैयारी कर ले रही हूँ, और लगभग अब बज रहे हैं 8, और यहाँ पे आज मैं रात में बनाऊँगी कुंदरी का भुजिया और रोटी। तो यहाँ पे मेरी बेटी सब्जी काट के रख दी थी, और तो मैं यहाँ पे फटाफट सब्जी बना ले रही हूँ। जब बेटियाँ जब बड़ी हो जाती हैं ना, तो माँ लोग को बहुत ज़्यादा आराम आता है, और मेरी बेटी इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दी है, तो कुछ कुछ मेरा हेल्प कर देती है बड़ी वाली, तो उसे मैं बोल दी थी, काट दी थी यार, जब बच्चे कर देते हैं या कोई भी थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी